सो हे गाइज, वेलकम टू आवर न्यू ब्लॉग। फिलहाल अभी बाहर बहुत ज़्यादा धूप है एंड गाइज एक प्रॉब्लम हो गया अपने RC 200 के साथ। प्रॉब्लम ये हो गया कि गाइज पता नहीं आगे पीछे दोनों का हवा एकदम कम हो चुका है। अब ये दिक्कत आ रहा है कि कहीं पंचर ना हो जाए। पंचर हो गया तो फिर उसमें लफड़ा, एक दो घंटा का टाइम लगेगा। एक घंटा तो मिनिमम लगेगा अभी, ठीक है। तो अभी चेक करवाया था तो हवा चलाया तो ठीक है, ट्यूबलेस टायर ना, तो उसी चीज़ का डर लग रहा है गाइज कहीं पंचर हो गया तो एक घंटा पूरा अपना बर्बाद हो जाएगा। तो वही अब देखते हैं, लेके जाएंगे, चेक कराएंगे, उसके बाद ही पता चलेगा। हवा भराने से आधा एक घंटा ठीक चल रहा है, उसके बाद कहीं रख दे रहा तो फिर वो तो चलते हैं अभी फटाफट से, ठीक है। गाड़ी को इसी डर के बहाने मतलब रूम के अंदर लेके आ गए थे। ये देखो अपना RC 200 निकालने में बड़ा दिक्कत होगा जी। अरे सही में जी, गाड़ी फिलहाल बाहर तो निकाल चुके हैं बट ये तो पूरा हवा कम हो गया, कैसे जाएंगे यार लेके। आगे का भी चेक कराना होगा कि आगे का तो अभी फिलहाल ठीक है गाइस, आगे का सुबह ख़त्म हो गया था, पीछे का ही दिक्कत हो गया यार। हमको तो डर लग रहा है कहीं पंचर होगा खतरनाक वाला। फिलहाल गाइस अभी पंचर दुकान पहुंच चुके हैं और ये रहे अंकल जी, पाइप लेके पकड़ लिए हैं, पाइप पकड़ लिए एकदम। अभी देखते पहले हवा चेक करेंगे देन उसके बाद पीछे कर दीजिए बस। तो फिलहाल अभी गर्मी का सीजन है बोल के अंकल हवा निकल जाए क्या खुद से? गाइस अभी हम लोगों को लगा था कि पंचर होगा बट हवा भरे तो ठीक है, अभी फिर खड़ा करेंगे तो फिर धोखा दे देगा, वैसे तो धोखा मिलता ही है। चेंज तो नहीं तो अब देखते हैं गाइस, अभी तो टंच है हवा, ये देखो अभी टंच है बट हाँ कल हम लोग गए थे मोटो ब्लॉग बनाने तो शायद से बहुत गीटी गुटी में गए थे, इसी कारण शायद से हवा कम हो गया होगा बट रात तक ठीक था गाइस, दोनों चक्कर ठीक था। सुबह देखे तो आगे का पूरा लीकेज हो गया हुआ, अभी थोड़ी देर बाद ये लीकेज हो गया। मैं तो बता नहीं रहा गाइस यहाँ तेल बहुत है। हाँ बहुत है ना, कल 500 का फ्यूल भराए थे गाइस, पता है एक मोटो ब्लॉग बनाने गए थे पतरातू डैम भाई साहब, और ऑब्वियस सी बात है थ्रॉटल दे रहे थे, एक्सलेटर इतना ज़्यादा दिए ना कि तेल दो खूटी बचा हुआ था घर आती आती पूरा डाउन हो गया। अभी घर पे देख रहे तो पूरा दो खूटी भी गायब है इसका। ये चेक किए, टंकी चेक किए तो अभी है तेल, तो अभी ठीक है। अभी देखते हैं कहीं थोड़ा मोड़ा घूमेंगे, वैसे तो खलारी में उतना कुछ खास है नहीं गाइस, यहाँ कोयला है ऐसी, ठीक है देख लो आप लोग खुद पता चलेगा ये कोयला ही है, सिर्फ कोयला का डस्ट है ये पूरा, आपको कोयला खदान है गाइस, ये पूरा कोयला खदान, यहाँ घूमने लायक कुछ नहीं है। यहाँ देख लो बड़ा बड़ा हाईवे, इसमें कोयला लोड होता है गाइस। अब बताओ यहाँ पे कहाँ घूमोगे, दो ही एक ही दो जगह फिर यहाँ पे फेमस है। हाँ बट यहाँ से ये है कि यहाँ से जो जो भी डैम अगर आपको जाना है तो यहाँ से ज्यादा नहीं 50-55 इतना सामने पड़ेगा क्या? क्यों? यस 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 ओके यस। तो ये मेरे दोस्त है गाइस, अभी के लिए हमारा खलारी का दोस्त है चड्डा जी, तो इनको हम प्यार से बोलते हैं चड्डा चड्डी। तो चले गाइस अभी देखते हैं ये चड्डा कहाँ लेके जाता है, पता नहीं कहाँ लेके जाएंगे चड्डा, बस घुमाने। हाँ घुमाने, तो यहाँ तो कोई ऐसा स्पेशल जगह नहीं है चड्डा जी? इतना स्पेशल नहीं है फिर भी है, फिर भी है मतलब ठीक ठाक है। हाँ चड्डा जी भी बोल रहे हैं खुल खाल के। अभी शाम का टाइम है और अभी देखो हम लोग जिस स्टेडियम में हैं, ये है डकरा स्टेडियम, ठीक है। तो ये जो देख रहे हो ना ये डकरा स्टेडियम हो गया पूरा, तो जस्ट खलारी और डकरा सामने है, मतलब खलारी अगर इधर से जाए डकरा साइड से तो खलारी आगे हो जाता है और खलारी तरफ से आए तो डकरा आगे हो जाता है, बस वही फ़र्क है। बट काफ़ी बड़ा स्टेडियम दिया हुआ है गाइस, अगर यहाँ पर अगर अच्छा प्रैक्टिस करें ना तो यहाँ से निकला जा सकता है, और बहुत ज़्यादा इसमें ना मतलब लाइक वही समझ लो कि यार ये
जब तक ये नहीं है ना तो फिर अपना जितना भी टैलेंट है नहीं उभर सकता। चलो लोग ऑलरेडी खेल रहे हैं उस जगह पे, देखो तो काफ़ी अच्छा स्टेडियम है गाइस, बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा। तो अभी हम लोग यहाँ से निकल रहे हैं, तो वैसे धूप में यहाँ क्या करेंगे यार। तो अब देखते हैं कहीं और। कौन सा नेक्स्ट लोकेशन? और जाना अभी केडी। केडी अच्छा, केडी छोटू भैया बोलते थे, तो चलो अभी चलते हैं केडी। शिक्षा हर जगह अच्छा मिलता है, बट ये डीएवी कोऑपरेटिव स्कूल, ये इंग्लिश मीडियम है। एंड इसके जस्ट बगल पे एसीसी उच्च विद्यालय। एंड यहाँ पे ग्राउंड काफ़ी ज़्यादा बड़ा है गाइस, यहाँ तो भाई साहब घास उस भी दिख रहा है। ठीक है, यहाँ पे आराम से मस्त चिलिंग मार सकते हो। यहाँ से कौन कौन पढ़ के निकला है दोस्तों में से? एसीसी से पढ़ा है ना? कौन कौन पढ़ा है एसीसी से? छोटू भैया। तो गाइस यहीं से एसीसी से छोटू भैया पढ़ के निकला है। तो हाँ, अब हम लोग आ चुके हैं खलारी डैम। तो ये चेक करें आप, तो ये है खलारी डैम। ठीक है, तो यहाँ वैसे लोग नहाते हुए नहीं दिख रहे हैं। मछली पालन। अच्छा, ये मछली पालन वाली जगह है? यस। ओके, तो यहाँ पे हर संडे तो मतलब मछली मारते होंगे? हाँ, तो यहाँ हर संडे मछली मारा जाता है गाइस। फिलहाल गाइज अभी हम लोग घूर फिर के आ चुके हैं डकरा स्टेडियम। ठीक है, तो बैठे हुए हैं, देखिए हम लोग कहाँ बैठे हुए हैं। ये चेक करो गाइज, यहाँ ब्लॉग अपलोड हो रहा है इसमें, और देखो नीचे झाड़ी है एंड हम लोग यहाँ बैठे हुए हैं एकदम। तो इधर से सूरज का रोशनी आ रहा है इस तरफ से, मन ही नहीं लग रहा है इधर से बैठ के मैच देख रहे हैं। यहाँ से क्या ही ग्राउंड लग रहा है यार, चड्डा बहुत बहुत गहरा ग्राउंड लग रहा है, पूरा मस्त लग रहा है गाइस। यहाँ से मैच चल रहा है एकदम लाइव देख रहे हैं कास। फिलहाल गाइस अभी हम लोग डकरा खदान के जस्ट बगल पे, तो ये है डकरा खदान, देख रहे हो डकरा खदान है गाइस, ये वाला डकरा खदान। तो बस हम तो बोले थे गाइस यहाँ पे आपको खाली कोयला देखने को मिलेगा, ये जो देख रहे हो पूरा कोयला सेशन। और ये जो सनसेट देखो गाइस, कुछ भले मत देखो पर ये सनसेट देखो, क्या ये सनसेट में अंडरग्राउंड भी है ना? यस।